ऐसे को तो सीधा तिहाड़ जेल में भेज देना चाहिए, ऐसे लोगों को सीधा तिहाड़ जेल इसकी जगह। एक बयान को लेकर कंगना रावत ने एक बयान दिया था एक निजी कार्यक्रम के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1947 में जो आज़ादी मिली है वो भीख मांगने से मिली है और जो 2014 में असली आज़ादी मिली। इस बयान को लेकर अब मामला तूल पकड़ चुका है। मुजफ्फरपुर में पुतला दहन किया गया है, साथ ही कालिक भी पोती गई है और जूते से कंगना रावत के जो चित्र है उस पर मारा भी गया है। हमारे साथ ये हैं तमन्ना हाशमी, क्या किया है आपने? देखिए, हक हिंदुस्तान मोर्चा की तरफ से आज कंगना रावत का पुतला दहन और आक्रोश मार्च हम लोगों ने निकाला है। इसलिए निकाला है कि उन्होंने कहा कि 1947 की आज़ादी जो भीख में मिली है, ऐसा कह के उन्होंने देश के शहीदों का अपमान करने का काम किया है, अपनी आज़ादी का अपमान करने का काम किया है। उन्होंने देशद्रोह वाला बयान दिया है, वो देश के खिलाफ वाला बयान दिया है। हम सरकार से भी मांग करते हैं कि जो उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है उसको सरकार जल्द से जल्द वापस ले, क्योंकि कंगना रनावत के जो बोल हैं वो देशद्रोह वाले हैं, देश तोड़ने वाले, देश जोड़ने वाले नहीं हैं। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम कंगना रनावत के खिलाफ आगे भी आंदोलन करेंगे जो जारी रहेगा। आगे क्या कुछ करेंगे? आगे बिल्कुल नहीं, हम सड़क से सदन तक काम करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन कंगना रनावत का जब तक पद्मश्री वापस नहीं मिलता, उसे सरकार सजा नहीं देती, प्रशासन उसे जेल भेजने का काम नहीं करती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कैसी मानसिकता लगती है सर बयान? देखिए, वो उनकी मानसिकता से ये झलकता है कि वो सिर्फ अपनी TRP के लिए कुछ भी बोल सकती है, उनको देश या देश के लोगों से कोई मतलब नहीं है, देश हित में कभी उन्होंने कोई बात नहीं की, हमेशा उनकी ज़ुबान में देशद्रोही वाली बात होती है, उनकी ज़ुबान हमेशा देश के खिलाफ आग उगलती है। ऐसे को तो सीधा तिहाड़ जेल में भेज देना चाहिए, ऐसे लोगों को सीधा तिहाड़ जेल इसकी जगह है। आगे भी आंदोलन लगा नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा आंदोलन, हमारा संगठन है हिंदुस्तान मोर्चा, आगे भी आंदोलन करता रहेगा कंगना के खिलाफ। तो अभी पुतला दहन किया है और कहा है जब तक माफ़ी नहीं मांगती और पद्मश्री वापस नहीं लिया जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो मुजफ्फरपुर से लाइव सिटीज़ के लिए अभिषेक कुमार, तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। ऐसे को तो सीधा तिहाड़ जेल में भेज देना चाहिए, ऐसे लोगों को सीधा तिहाड़ जेल इसकी जगह। Hey, hey, hey!